हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह की पूजा से। और आज दिन है बृहस्पतिवार और मैं कर रही हूँ बृहस्पतिवार की पूजा। मैं कथा पढ़ रही हूँ बृहस्पतिवार की। और सत्यम और अंशु मेरे साथ बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। और मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ही उत्सुक होंगे उस दिन रात, कल रात का वीडियो देखकर कि क्या हुआ, बाढ़ के बाद का परिस्थिति क्या हुआ। तो मैं आप लोगों को ज़रूर ही दिखाऊंगी और बताऊंगी भी, और मेरे दिमाग पर भी बहुत गहरा असर है उसका। और मेरा फेस आज आप लोगों को थोड़ा सैड सैड भी लगेगा, देखिएगा, क्योंकि रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ, मैं सदमे में थी, मैंने आज तक ऐसी परिस्थिति देखी नहीं थी। तो पूजा के बाद मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं दोपहर का खाना बनाने आ गई मैं किचन में, और मैं खाना बनाने के बाद ही आप लोगों से मिलूंगी। तो दाल चावल मैंने बना लिया है और सब्ज़ी मैं लौकी की बना रही हूँ। दोपहर में सुबह मैंने एक सब्ज़ी बना ली है, लौकी की सब्ज़ी मैं चावल के साथ बना रही हूँ। तो दाल चावल मेरा बनकर तैयार है और सब्ज़ी के बाद खाना हो गया मेरा दोपहर का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ अपना सुबह का सारा काम ख़त्म करके। आज बृहस्पति था तो मैंने पूजा किया बृहस्पति का, और उसके बाद मैंने नाश्ता वास्ता किया और अब मैं दोपहर का खाना भी बना चुकी हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि रात को मैंने वीडियो डाला था तो उसको देखकर आप लोग काफ़ी उत्सुक होंगे कि हाँ आज क्या हुआ। तो आज की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है गांव की। चारों तरफ से गांव बिल्कुल पानी में डूब गया है, और दोनों तरफ से, एक तरफ से गंगा नदी और एक तरफ से गंडक। तो ये, और गंगा नदी का पानी तो इतना नहीं आता जितना आ गया है, लेकिन लोग बांध को काट दिए हैं ज़मीन बेचने के चक्कर में, तो इसके चलते पानी और भी ज़्यादा गाँव में घुस गया है। और 2016 में ऐसा बाढ़ आया था और उसके बाद फिर ये बाढ़ आया है, और मतलब गांव की काफ़ी भयावह परिस्थिति है। गाय भैंसे सब लोग रोड पे बांध रहे हैं। गरीबों का तो मत कहिए, बुरा हाल है। उनके साग सब्जी जो खेत थे सारे डूब गए हैं, और रोड के नीचे जिन्होंने घर बनाया है उनके घर में तो कमर तक पानी आ गया है। तो उन बेचारों का तो हाल बहुत ही बदतर है, मैं आप लोगों से क्या बताऊं। और रात की स्थिति तो देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मैंने तो ये सब देखा नहीं है। और मतलब रात का जो ये था, नज़ारा था गांव का, कि एकदम बादल कड़क रहा था, गरज रहा था, और इधर से पानी, उधर से पानी, चारों तरफ से पानी एकदम लगातार बढ़ते जा रहा था। और बढ़ते जा रहा था नहीं दोस्तों, अभी भी बढ़ ही रहा है, पानी घट नहीं रहा है। तो मेरे बगल में प्लॉट है, मेरे घर के बगल में मेरा एक प्लॉट है, उसमें भी, उस साइड भी एक प्लॉट खाली है। तो दोनों, दाहिने और बाएँ दोनों साइड में पानी लग गया है। पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि प्लांट का सामान हट रहा था क्रेन मशीन से, तो वो सब सामान हटा और आज उसमें फाइनली पानी आ चुका है। तो प्लांट का काम बंद हो गया है और प्लांट के सभी मजदूर जा चुके हैं और उन लोगों का काम बंद हो गया है प्लांट का। तो वो बेचारे डर के मारे अपने अपने घरों को भाग गए हैं, लेकिन जो गाँव का है वो कहाँ भाग कर जाएगा, वो तो यहीं रहेगा। तो काफ़ी भयावह स्थिति है और काफ़ी दयनीय भी है, और मतलब गजब का मतलब ये सीन है, मैंने तो आज तक नहीं देखा था और पहली बार मैं देख रही हूँ ऐसा। तो मैं तो काफ़ी अंदर से डर गई हूँ, और रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और नींद में भी मैं यही सपने भी मैं भी देख रही थी कि मेरे खिड़की से पानी अंदर आ रहा है, ऐसे ऐसे सपने भी मुझे आ रहे थे शायद डर में जीने से। तो अब मैं आप लोगों से क्या बताऊं, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का, कि कल के बाद का यहाँ क्या हाल हुआ है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बोली थी कि गंगा मैया, जो मैं मंदिर में गई थी पूजा करने सोमवार को, तो मैं बोली थी आप लोगों से कि गंगा मैया आ जाती हैं शंकर भगवान से मिलने के लिए। तो फाइनली मंदिर में पानी घुस चुका है, शंकर भगवान के पास गंगा मैया आ चुकी हैं, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मैं आज आप लोगों को गांव का आंखों देखा हाल फिर से दिखाऊंगी कि कल के बाद आज क्या परिस्थिति है।
और ये देखिए, मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने वीडियो में जहाँ पर नील गाय खड़ी थी, वह देखे थे आप लोग कैसा सूखा था, बहुत ही कम पानी था। और ये देखिए रात के बाद की परिस्थिति, सारा पानी से भर गया है। ये मेरे घर के बगल का लोकेशन है और ये देखिए, मतलब पानी बिल्कुल बढ़ते ही जा रहा है, घटने का तो कोई नाम नहीं है। ये बगीचा भी देखिए कितना बढ़ रहा है, रोज़ मतलब पानी बढ़ते ही जा रहा है। ये देखिए, ये घर बनाने के, ये घर मेरा दिखा आप लोगों को, ये घर, ये सामने का है और वो बगल का था, मतलब बीच में बस रोड ही एक रह गया है, नहीं तो आगे पीछे चारों तरफ। ये देखिए, ये भी प्लॉट मेरा ही है, इसमें भी पानी लग गया है। और ये देखिए पानी बिल्कुल बढ़ते ही जा रहा है, और ये पानी का बहाव देखिए। और ये वीडियो तो मैं आज डाल रही हूँ और कल का वीडियो है ये शूट किया हुआ। ये पानी देखिए, ये पानी और भी बढ़ गया है, ये तो कल का शूट किया हुआ है, पानी मतलब बढ़ते ही जा रहा है। और ये देखिए भैंसे सब रोड पर बंधी हुई हैं, इन लोगों को रहने का आसरा नहीं है, तो इनके मालिक इनको रोड पर ला के बांधे हैं। उनके घरों में दरवाज़ों पे तो पानी लग गया है, तो बेचारे जाएं कहाँ, बहुत ही दयनीय परिस्थिति हो गई है। और ये देखिए चारों तरफ पानी, और हम लोगों का घर ऊंचे पे बना है, हम लोगों के घर के पास अगल बगल में पानी आ गया है लेकिन ऊपर नहीं आएगा। और बच्चे लोगों को थोड़ी समझ में आता है, बच्चों को, ये तो काफ़ी खुश हैं पानी देखकर, इनको तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही लोगों को दिक्कत है। ये देखिए पानी देखने के लिए लोग झुंड बना बना के आ रहे हैं। ये देखिए मेरा घर, और ये देखिए जहाँ से क्रेन मशीन से सामान हटाया जा रहा था, तो वो था पीछे का, वहाँ पे पानी लग गया है। और ये देखिए, ये है गांव का नज़ारा, सबके साग सब्जी वगैरह जो भी हैं सारे डूब गए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी। ये देखिए सबके, जितने किसान लोगों के जितने फसल लगे हैं सब डूब गए। और ये मैं आ गई हूँ मंदिर में जहाँ मैंने गंगा जी की पूजा की थी और मंडे को आप लोगों को दिखाया था, और मैं बोली थी कि गंगा मैया शंकर भगवान से मिलने आ गई हैं। तो ये देखिए गंगा मैया पहुँच गई हैं, और ये तो मैं बोल रही हूँ कि कल का शूट है, और आज तो गंगा मैया बिल्कुल शिवलिंग पर पहुँच गई हैं, और मैं जा भी नहीं कर सकती हूँ शूट करने के लिए, क्योंकि जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। तो गंगा मैया आ चुकी हैं शंकर भगवान से मिलने के लिए, और शिवलिंग तक पहुँच गई हैं। और गंगा मैया अब कृपा करें, अब आप शंकर भगवान से मिल चुकी हैं, अब आप जाने की कृपा करें, वरना लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई है। ये देखिए ये स्कूल में पानी घुस गया है, स्कूल खुलने का चर्चा हुआ तब तक स्कूल में पानी ही घुस गया, अब देखिए सरकारी स्कूल है ये गांव का, इसका हाल देखिए। और ये और भी भर चुका है, अब मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि उधर जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। रात का शूटिंग के बाद का सीन है, और बकरियाँ बैठी हैं सड़क पे, इन लोगों को कोई ठिकाना नहीं रह गया है, इनके घरों में, मालिकों के घरों में ही पानी भर गया है, तो ये कहाँ जाएंगी, कमर कमर तक पानी में घुस के लोग अपने घर से निकल रहा है दरवाजे से। ये देखिए पूरा पानी घुस गया है अंदर, मतलब बहुत ही दयनीय परिस्थिति है। ये देखिए घर के गेट पे पानी लगा हुआ है, और कितना दिखाऊं आप लोगों को, आप लोग भी बोर हो जाओगे, यही आजकल परिस्थिति रह गई है हमारे यहाँ, तो मैं अब क्या बता सकती हूँ। रोड पे पानी धीरे धीरे पहुँच रहा है, लेकिन अब गंगा मैया जा सकती हैं क्योंकि दो तीन दिन तक पानी ज़्यादा बढ़ता है। और ये देखिए रोड पे पानी आ गया है,
इससे बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए बारिश भी हो रही है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, बाढ़ दिखा दिखा के तो मैं भी थक गई हूँ। और आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ कच्चे केले की सब्ज़ी, मछली वाली सब्ज़ी, जैसे मछली बनाई जाती है उस टाइप से मैं कच्चे केले की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज आप लोग देखिए, तो ये मैंने केला को दो भाग में कट करके और उसको पतले पतले पीसेज काट लिए हैं। और धोने के बाद मैं इसको नमक और हल्दी मिलाकर मैश कर दूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें नमक हल्दी मिला के, तो टेस्ट थोड़ा और भी बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। और ये गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल भी डाल दिया, तेल गर्म हो रहा है। और अब इनको मैं तेल में अच्छी तरह से फ्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा डाल के। और ये सब्ज़ी बिल्कुल मछली के जैसे बनती है, टेस्टी, जिस टाइप से हम लोग मछली बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनती है, और वैसे ही मसाले पड़ते हैं इसमें। तो इनको मैं देखिए नमक और हल्दी डाल के और फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बन जाते हैं बहुत ही अच्छे। ऐसे भी खाइए चिप्स बना के, बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। और जब भी मैं बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि ये लोग ऐसे ही खाते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और केले की एक तो मैंने आप लोगों को रेसिपी दिखाई थी कोफ्ता बना के, और दूसरा इस प्रकार से मैं बनाती हूँ। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं और कितना सुंदर कलर आया है। और ऐसे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, सत्यम बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना के रखती हूँ उनको, वो घूम घूम के खाते हैं। और मैंने दो तीन बार करके मैं इनको फ्राई करूँगी। और अब मैं और जो बचे हैं उनको डाल रही हूँ। इसी प्रकार से बचे हुए केलों को भी मैं फ्राई कर लूँगी। और ये जो बचे थे इनको भी मैंने डाल दिया। और ये भी फ्राई हो चुके हैं। तो सारे केलों को मैंने वैसे ही फ्राई कर लिया। और ये देखिए मसाले, टमाटर एक है, मिर्च लाल, जीरा गोल, काली मिर्च और लहसुन और सरसों, ये सारे इसका पेस्ट बनाऊंगी। और एक टमाटर मैं कट करके डालूंगी, इन सारे का मैं पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए मैंने जार में डाल लिया और थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं मसालों को पीस लूँगी बिल्कुल ही बारीक। ये देखिए मैं मसाले पीस ली, और देखिए कितने ही बारीक मसाले पीसे हैं। और कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, इसमें मैंने डाल दिया मेथी का दाना। और जब ये क्रैक हो जाएंगे तो एक हरी मिर्च। और अब मैं इनमें मसाले का पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने अभी तैयार किया है। और मसाला बिल्कुल महीन होना चाहिए, तो इसलिए मैं पेस्ट बना के डालती हूँ, और भी अच्छा लगता है पेस्ट बना के डालने में। ये देखिए मैंने मसालों को डाल दिया और इनको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसमें मैं अभी मिलाऊंगी कुछ सूखे मसाले भी मिलाऊंगी। कोई कोई मसाला मैं सूखा भी डालती हूँ, जैसे कि हल्दी है, धनिया है, ये सब का मैं सूखा पेस्ट डाल, सूखा पाउडर डालती हूँ। तो देखिए मसाले फ्राई हो रहे हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और धनिया भी डालूँगी, एक चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दूँगी। तो ये मैंने धनिया भी डाल दिया, और मसालों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और एक नमक डाल दिया मैंने, नमक
अपने हिसाब से आप डालें, सब्जी के हिसाब से डालें, क्योंकि केले में भी मैंने नमक और हल्दी डाल के फ्राई किया है। और एक टमाटर जो मैं रखी हूँ उसको कट करके इसमें डाल दूँगी, तो और भी अच्छा ग्रेवी बनेगा और इसका कलर भी बहुत सुंदर आएगा। तो मैंने टमाटर को कट करके डाल दिया और ये देखिए मसाले कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से इनको जितना अच्छा तरह से फ्राई करेंगे उतनी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। और मसाले मेरे देखिए लगभग फ्राई हो चुके हैं, मसाला फ्राई हो गया और अब मैं इसमें मिलाऊंगी पानी। ग्रेवी आपको अपने हिसाब से रखना है तो पानी अपने हिसाब से ही डालें और इतना ध्यान ज़रूर रखें कि केला पानी को अपने अंदर खींचता है, तो पानी उस हिसाब से ज़रूर डालें कि थोड़ा ग्रेवी रहे सब्जी में, वरना ये केले बिल्कुल ग्रेवी को अपने अंदर खींच लेते हैं और सब्ज़ी सूख जाती है। तो थोड़ा ज़्यादा ही डालें ताकि खींचने के बाद भी थोड़ा ग्रेवी बनी रहे तो और टेस्टी लगता है सब्ज़ी। तो ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है और मैं अब केलों को उनमें डाल दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखे थे, और बस थोड़ी देर के लिए इनको बस 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। और बस ये देखिए मैंने इनको ढक दिया और 2 मिनट के बाद देखिए सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। कितना अच्छा कलर, कितना प्यारा कलर आया है और लग रही है ना बिल्कुल मछली जैसी। और ये देखिए मैंने रखा है अलग से फ्राई किया हुआ सत्यम के लिए, और देखिए सब्जी का कितना प्यारा कलर आया है। और आप लोग भी मेरी तरह से एक बार बनाकर खाएं और कमेंट करके बताएं।